उत्तर प्रदेश के संभल में एक पत्रकार को योगी सरकार में मंत्री गुलाब देवी से सवाल करना भारी पड़ गया। बीजेपी नेता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पत्रकार संजय राणा को गिरफ्तार कर लिया है। पत्रकार की गिरफ्तारी पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। पत्रकार संजय राणा पर पुलिस ने मंत्री गुलाब देवी के सरकारी कार्यक्रम में व्यवधान डालने और बीजेपी नेता से मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में चंदौसी कोतवाली केस दर्ज किया गया है। इस बीच पत्रकार और मंत्री के बीच हुए सवाल जवाब का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि बीजेपी युवा मोर्चा के जिला मंत्री शुभम राघव की शिकायत पर संजय राणा पर मुकदमा दर्ज किया गया है। संजय राणा की गिरफ्तारी पर समाजवादी पार्टी ने कहा है कि बीजेपी सिर्फ चाटुकार पत्रकारिता चाहती है। दरअसल संभल के बुधनगर खंडवा गांव में 11 मार्च को माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी चेक डैम के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने पहुँची थी। इस दौरान पत्रकार ने मंत्री द्वारा चुनाव पूर्व किए गए वादे की याद दिलाई और पूछा कि आपने जो कहा था वो अब तक नहीं हुआ है। गांव में तमाम मूलभूत सुविधाओं की कमी है, वो कब पूरा होगा। इस दौरान वीडियो में एक दूसरी महिला की आवाज आती है जो संजय राणा से कहती है, आप समस्या रख रहे हैं या अपना प्रचार कर रहे हो। वही वीडियो में आगे उत्तर प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्वास्थ्य प्रभारी मंत्री गुलाब देवी संजय राणा से कहती है, तेरी निगाहें मैं बहुत देर से पहचान रही थी, जब तू वहाँ खड़ा था तब भी मैं तेरी निगाहें पहचान रही थी। जो बातें तूने कही है ये सारी बातें ठीक है, अभी समय नहीं निकला है। गांव कंदरपुर तू भूल गया, कंदरपुर भी मेरा, बुध नगर भी मेरा, ये दोनों ही गाँव मेरे है। मैंने जो भी वादे किए हैं मैं उसे पूरा करूंगी। जो काम तुमने बताए हैं सभी काम होंगे। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ता शुभम राघव नाम की शिकायत पर संजय राणा के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 504 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।